आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube डिजिटल चैनल पे। फिलहाल कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव सातवें चरण चल रही हो और ऐसे में उड़ीसा, केरला, कर्नाटका इत्यादि का रास्ता तय करते हुए वो बिहार पहुंचे हैं और बिहार में उनके अनुभव से कह रहे हैं कि NDA की सत्ता नहीं आने वाली है और ना ही मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार में NDA की सरकार नहीं आनी चाहिए। ये लड़ाई हम व्यक्तिगत नहीं विचार से लड़ेंगे। 2014 के बाद BJP पूरी तरीके से लंगी हो गई है। आइए सुनते हैं और क्या क्या कहा गुलाम नबी आजाद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आज सातवां फेज चल रहा है और पहले फेज से लेकर सातवें फेज तक मैं तकरीबन 11-12 स्टेटों में, उड़ीसा से लेकर और केरला और तेलंगाना और कर्नाटक तक और बीच में और कश्मीर तक तमाम राज्यों में कंपेयर किया हूँ 200 से ज़्यादा सभाओं में। तो आज इस इलेक्शन के अंतिम चरण में हम जब पहुँचे हैं तो अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ, किसी के सुनने और सुनाने के आधार पर नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही, NDA सत्ता में नहीं आ रही और माननीय मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं। तीन बड़ी चीज़ें बता रहा, न तो NDA सत्ता में आएगी और न ही मोदी साहब के दोबारा प्रधानमंत्री बनने का कोई भी रास्ता नहीं, और जो सरकार बनेगी वो नॉन NDA नॉन BJP सरकार बनेगी। यहाँ प्रश्न पूछे कि कांग्रेस वाला बनेगा तो उसका मैं कोई पहले दूंगा, इसके लिए हम पहले से अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हाँ जरूर, अगर कंसेंसस कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस लीडरशिप लेगी, लेकिन हमारा जो इस वक्त लक्ष्य रहा है शुरू से ही कि NDA की सरकार नहीं आनी चाहिए और उसमें गए कांग्रेसी सरकार जो तो पार्टियां हैं मिलकर जो भी काम राय करेंगी उस राय के साथ हम सब। इस वक्त हम कोई इशू नहीं बनाना चाहते हैं कि जहां नहीं बनेंगे तो कोई भी नहीं बनेगा, ऐसा कोई संभावना नहीं। NDA क्यों नहीं बनेगी और क्यों नहीं बननी चाहिए, कोई ऐसा है नहीं है कि हम NDA के किसी नेता की शक्ल ठीक नहीं हमको लगती या माननीय प्रधानमंत्री की शक्ल ठीक नहीं लगती या उनके नेताओं की हमको शक्ल ठीक नहीं लगती, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। प्रेस और मीडिया के साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय नेता मुझे बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यूथ कांग्रेस से लेके यूनियन मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत सारी पोजीशन पे जिन्होंने एक
जन नेता के तौर पे, सफल राजनेता के तौर पे जिसका पूरा जीवन रहा, ऐसे हमारे नेशनल लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब आप सबके बीच में आज आए हैं। कल उनका जनसंपर्क हुआ, जनसभा हुई और आज हमने रिक्वेस्ट की थी पीसीसी अध्यक्ष जी ने और अपने कि बिहार का मीडिया एक जागृत मीडिया है और उनके साथ इंटरेक्शन हो। उन्होंने कल जाना था फिर भी आप सबके लिए वो रुक गए। मैं इनका धन्यवाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से करता हूँ कि आपके साथ इंटरेक्शन के लिए वो रुके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, हमारे नेता तारिक अनवर जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अशोक राम जी, हमारे MLC प्रेमचंद मिश्रा जी, वर्मा जी और सभी साथियों के साथियों का भी स्वागत करता हूँ। और मैं आप और गुलाम नबी आज़ाद जी के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता हूँ, मैं माइक उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। जिस तरह से आपने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद ने सीधे तौर पर निशाने में लिया है BJP को, मोदी सरकार को और यहाँ तक नीतीश कुमार को, तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज बिहार, हम करेंगे आपको पल पल अपडेट। देखने लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।